आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आपको पाप लग सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 24 घंटों के बाद आत्मा घर वापस क्यों आती है। इसलिए आपको अधूरा नहीं देखना है, नहीं तो पाप लग सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जीवन मृत्यु से संबंधित है। एक संस्कृत का श्लोक है, जब उक्त एक संस्कृत का श्लोक है, जाट से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से। स्मार्ट परिहार ये थे, न तुरंत सूचित उमर हंसी। अर्थात इसका अनुवाद करें तो हम पाएंगे कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। 8 अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, मौत को कोई भी नहीं टाल सकता। धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मौत निश्चित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। और दोस्तों, यही नहीं, और भी मृत्यु से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियां गरुड़ पुराण में मिलती हैं, जैसे पत्नी से पहले पति क्यों मर जाता है, और हम मरे हुए व्यक्ति की फोटो लगाते हैं तो उसका सकारात्मक कारण और नकारात्मक कारण भी बताए गए हैं। और भी कई जानकारियां बताई जाती है गरुड़ पुराण में, लेकिन आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि मृत्यु होने के बाद 24 घंटों के बाद आत्मा वापस क्यों आती है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु है। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 1 में देखा कि कैसे यमदूत उस जीव आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह जीवात्मा 24 घंटों के पश्चात पुनः वापस आती है, और 24 घंटों के दौरान जीव आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इस जीव आत्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहाँ उसने अपने शरीर का त्याग किया था, और 13 दिन तक वह जीवात्मा वहीं अपने परिवार के बीच रहती है और परिवार में चल रहे हैं सभी कार्यों पर नजर रखती है कि मेरी मृत्यु के बाद में क्या क्या हो गया है, और उसी के ही साथ जीवात्मा अपने मृत शरीर को भी देखती है। मुंह वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पास द्वारा बंध जाने से बहुत कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता, और आत्मा की उपस्थिति का ज्ञान भी कैसे होगा, वह तो शरीर से जा चुकी है और किसी को दिखाई भी नहीं देती है। फिर वहाँ अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है, और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगती है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है, अर्थात मनुष्य पुण्या की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंड दान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंड दान देते हैं। अगर मृतक का पिंड दान नहीं किया गया तो जीव आत्मा अनंत काल तक भटकती रहती है, और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, 3रा भाग यमदूत ले लेते हैं, और 4था भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10 विपिन से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले दान में विधि मंत्री स्वधा आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता, केवल नाम तथा गोत्र से पिंड दान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात उन शरीर उत्पन्न होता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है।
मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंड दान द्वारा उसे एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी हम लोग के मार्ग में अपनी शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान भी आ जाता है, उससे मूर्धा दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद बनते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय व चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठ भाग उत्पन्न होता है। पांचवे दिन के पिंडदान सेना भी छठे दिन के पिंडदान से करते प्रदेश, सातवें दिन के पिंडदान से भाग, आठवें दिन के दान से गुरु, नौवें दिन के पिंडदान से तालु है और दसवें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीव आत्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहता है। गुरु दसवें दिन जो पिंडदान होता है, उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। ग्यारहवीं और बारहवीं दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेरित शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है, उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। तेरहवें दिन पेंडेंट शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है और यहाँ से इसकी यमलोक की यात्रा आरम्भ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा, उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है, और वह जितना पुण्यकारी, निष्कपट गई और भागवत प्रेमी होगा, उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल व सुखदायक होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना होगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता देगी, जब आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आता है तो सभी सांसारिक संपत्ति और प्राप्तियां, जैसे कि पत्नी, पुत्र, घर, धन, रिश्तेदार या रिश्तेदार, कोई फायदा नहीं होता है और उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। अपनी लंबी और कठिन यात्रा में आत्मा को केवल मन और इंद्रियों से युक्त सूक्ष्म शरीर को ही साथ ले जाने की अनुमति है। भगवत गीता के अनुसार, यदि दोस्तों आप परेशान हो तन मन से, को आपको भगवत गीता का अध्याय नंबर 6 पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष की प्राप्ति के बाद मनुष्य को दोबारा इस मृत्युलोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए हर मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। इसी के साथ ही दोस्तों, यह सत्य है कि जब हम धर्म के मार्ग से विरत होते हैं, तभी गलत मार्ग पर जाते हैं। धर्म हमें जीवन की शाश्वतता का आभास कराता है, जिससे हम अपने विवेक के आधार पर जीवन की सही राह पकड़ लेते हैं। गीता में भी कहा गया है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। और दोस्तों, आगे बात करें तो हम सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। लालच, मोह, रोग, कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। मुख्यतया मृत्यु के 101 स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य 8 प्रकार की होती है, जिसमें बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना और का स्मृति, आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप है। जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जीव को स्वयं न तो जन्म चुनने का अधिकार है और न ही मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार है। जीवन जीने के बाद जब जीव मृत्यु में प्रवेश करता है, तो उस अवस्था में उसे फिर जन्म लेने के लिए हजारों लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष परमात्म तत्व में लीन हो जाता है, उसे पुनः गर्भ चुनने का अधिकार रहता है। वह स्वेच्छा से गर्भ चुन सकता है, लेकिन अन्य जीव वैसा नहीं कर सकते। जीव केवल जी सकता है, जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। जब मृत्यु का काल आता है, तो परमात्मा उसे अपने हाथों मृत्यु नहीं देता। वह जीव को स्वयं ऐसी प्रेरणा दे देता है कि वह स्वयं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से जीवन को नष्ट कर देता है। बुद्धि विवेक से नियंत्रित होती है। जब जीव का अंतकाल आता है, तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वह अच्छे बुरे का विचार करना छोड़ देता है, अच्छा आचरण करना छोड़ देता है, उसके शरीर से तेज नष्ट हो जाता है।
शक्ति क्षीण हो जाती है और विचार स्थिर नहीं रह जाता। वह स्वयं ऐसा आचरण करने लगता है कि उसका जीवन अशांत हो जाता है। काम वासना व क्रोध के कारण उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता, फलत उसका जीवन स्वयं काल के गाल में प्रवेश कर जाता है। देवताओं को पराजित करने वाले रावण का जब अंत काल आया तो उसने नैतिक धर्म छोड़ दिया। उसका बल नष्ट हो गया, बुद्धि व विचार क्षीण हो गए और वह काल के चंगुल में फंस गया। परमात्मा किसी के नाश का भागीदार नहीं बनता, वह डंडे से किसी का सिर नहीं फोड़ता, लेकिन मनुष्य स्वयं ऐसा काम करने लगता है, वह विकारों से ग्रस्त हो जाता है। यदि मनुष्य निर्मल मन से परमात्मा को स्वयं को समर्पित कर दे तो बात बनते देर नहीं लगती। श्री राम ने तो स्वयं कहा है कि मेरे लिए सबसे प्रिय वही भक्त है जो छल छिद्र और कपट से दूर है। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।